हेलो, जय हिंद दोस्तों। और देखिए, आज का सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्मी जीडी के स्पेशल मॉडल टेस्ट पेपर 9। ठीक है, इससे पहले 8 अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए, उनको देख सकते हैं। ये मॉडल टेस्ट पेपर है, पूरे 50 प्रश्न डिस्कस करेंगे, जैसे आपके एग्ज़ाम में आते हैं। भाग 1 सामान्य ज्ञान, भाग 2 विज्ञान, भाग 3 गणित और भाग 4 रीजनिंग। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले दो लाइनें आपकी प्रेरणा के लिए कि चीर के बहादुर लहू दुश्मन के सीने का, यही तो मजा है फौजी होकर जीने का। तो इन्हीं लाइनों के साथ अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, भाग 1 स्टार्ट करते हैं और आपको आंसर के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। ये आपका एक तरह से लाइव टेस्ट है। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को यहाँ पर रोक सकते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली, अगर आप ऑप्शन बी चूज़ कर रहे हैं तो आपका आंसर गलत है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा, आयरलैंड से। और देखिए, राष्ट्रपति का जो महाभियोग है, राष्ट्रपति का महाभियोग, ठीक है, महाभियोग जो है वो लिया गया है यूएसए से। ठीक है, और उपराष्ट्रपति का पद वो यूएसए से लिया गया है, बट राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली ली गई है आयरलैंड से। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे हैं, तुलसीदास, बाणभट्ट, सूरदास और रसखान। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, बाणभट्ट। देखिए, इसका आंसर मैं आपको फटाफट दूंगा क्योंकि इसके बाद हमको मैथ भी सॉल्व करना है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा आपका लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आप कोशिश करिए जल्दी से जल्दी आंसर देने का, या फिर आप वीडियो को रोक सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, संगमरमर चट्टानों किस श्रेणी में आती हैं? ठीक है, जो संगमरमर की चट्टानें हैं वो किस श्रेणी के अंतर्गत आती हैं? तो ये आती हैं कायंत्रित श्रेणी में, ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। फोर, भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भाग 4 ये संबंधित है राज्य के नीति निदेशक तत्वों से। ठीक है, भाग 4 है, अगर मैं अनुच्छेद की बात करूं यानी कि आर्टिकल की बात करूं तो ये 36 से लेकर 51 आर्टिकल तक हैं। ठीक है, इसके साथ मौलिक अधिकार इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार जो हैं ये भाग 3 में हैं पहला। ठीक है, और दूसरा ये 12 से 35 में है। ठीक है, और उसके बाद 36 से 51 तक आपके मौलिक कर्तव्य हैं। ओके, एक चीज़ और है, भाग 4A, ठीक है, और 51A आर्टिकल, इसके अंदर जो है वो मौलिक कर्तव्य हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, वेदों की ओर लेटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लोटो का नारा किसने दिया था? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सेकंड, दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट है 6th, टोडरमल किस मुगल शासक का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? ऑप्शन स्क्रीन पे हैं, शाहजहां, बहादुर शाह जफर, अकबर और औरंगजेब। तो टोडरमल जो है वो अकबर के काल में एक प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे और ये अकबर के 9 रत्नों में से भी एक थे। क्वेश्चन नंबर 7, रोवर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन सारे स्क्रीन पर हैं। तो रोवर्स कप जो है यह संबंधित है फुटबॉल से, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। उम्मीद है सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और देखिएगा, अभी जितने स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, आपका सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, आपको इस वीडियो को कंप्लीट लाइक करना है। अच्छे से लाइक कीजिए और वीडियो को हो सके तो फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, पूरा वीडियो आपको देखना है, पूरा आपको टेस्ट लगाना है, ये आपका टेस्ट है। ठीक है, कोई क्विज़ या फिर छोटा मोटा वीडियो नहीं है, आपका पूरा 50 प्रश्नों का टेस्ट है। इसके बाद भाग 2 सामान्य विज्ञान है, फिर हमको गणित भी सॉल्व करना है डिटेल से और रीजनिंग भी मैंने अच्छे लेवल के लिए है। 7th क्वेश्चन है, डांडिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो डांडिया जो है यह संबंधित है गुजरात से, ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, एस अगेंस्ट आइट्स किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? और उस खिलाड़ी का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी आत्मकथा है, तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, सानिया मिर्जा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है? तो दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। क्वेश्चन 10, वर्ष 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण से कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो चंपारण से महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था, ऑप्शन फर्स्ट जो है वो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या नाम है? तो चीन सागर में आने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है
वो कौन सा होता है, उसको टाइफून बोलते हैं। तो जिन्होंने ऑप्शन चार चूज़ किया है, सभी का आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 12, वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फटाफट से आंसर देना है। वॉलीबॉल की एक टीम में होते हैं छः खिलाड़ी, ठीक है। वॉलीबॉल की एक टीम में छः खिलाड़ी होते हैं, टिक सही किया और बोला गलत चला गया, है ना। अच्छा, पांच खिलाड़ी किस में होते हैं? तो पांच खिलाड़ी की बात करें तो पांच खिलाड़ी जो होते हैं वो बास्केटबॉल में होते हैं, बास्केटबॉल में, ठीक है। नेक्स्ट है 13, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समिति का सदस्य नहीं है? तो यहाँ पर देखिएगा, BRICS, ब्रिक्स। तो ब्राज़ील, रशिया, आई से इंडिया है, ठीक है। यहाँ पे आइसलैंड दिया है तो ये गलत है, ठीक है। आइसलैंड ब्रिक का सदस्य नहीं है, इंडिया ब्रिक का सदस्य है, चाइना, ठीक है, और यहाँ पे साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा 14, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? फटाफट से आंसर दीजिएगा। मध्य हिमालय, शिवालिक, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम है पश्चिमी घाट, ऑप्शन थर्ड जिन्होंने चूज़ किया है, सबका आंसर सही है। 15 और भाग एक का लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन से खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? फटाफट से आंसर दीजिएगा। फुटबॉल में गेंद का इस्तेमाल होता है, क्रिकेट में होता है, टेनिस में भी होता है, बैडमिंटन में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है। इसके अंदर चिड़ी छक्का होता है, आपको पता ही है, तो उसमें गेंद का इस्तेमाल नहीं होता। अब बात करेंगे भाग दो यानी कि सामान्य विज्ञान की, और इसमें मैंने आपका थोड़ा सा लेवल इनक्रीज़ किया है। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, आपका ये एक टेस्ट है अच्छे से, ठीक है। वीडियो ख़त्म होने के बाद आपका स्कोर कमेंट बॉक्स में मुझे मिलना चाहिए कि आपका स्कोर कितना हुआ है। 16 है, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणुओं की खोज किसी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 17, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? फटाफट से आंसर देना है, ऑप्शन सारे स्क्रीन पे हैं। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, पौधों के उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? पौधों के उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो पौधों के उत्तक होते हैं तीन प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 19, मनुष्य के खून का पीएच मान डैश होता है? तो देखिए, पीएच मान होता है कितना, 7.4। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो पीएच स्केल होता है इसमें जो 7 होता है वो होता है उदासीन, ठीक है, टेस्टलेस। 7 से कम होगा तो वो अम्लीय होगा, 7 से अधिक होगा तो वो होगा क्षारीय। तो हमारा पीएच मान कितना है, 7.4, यानी कि 7 से अधिक है, पर ये 7 से थोड़ा अधिक है तो ये कम क्षारीय होगा, ठीक है, ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, जकारियास जॉनसन ने किसका आविष्कार किया था? इनको जेड जॉनसन के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने आविष्कार किया था सूक्ष्मदर्शी का, ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। 21, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश मात्रा नहीं है, सदिश राशि नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, विद्युत धारा। 22, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक बल गुरुत्वाकर्षण का कहाँ पे होगा, देखिए भूमध्य रेखा पर मत करना, गुरुत्वाकर्षण का बल सबसे अधिक होता है ध्रुवों पर, ध्रुव रेखा पर, ऑप्शन चार इसका सही आंसर होगा। 23, पौधे का कौन सा भाग केसर देता है? तो उसको वर्तिका या वर्तिकाग्र भी बोलते हैं, ठीक है, अन्य नाम है रंध्र, जिसको हम स्टिग्मा बोलते हैं, ऑप्शन चार जिन्होंने चूज किया है सबका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। 24, शुद्ध जल किस तापमान फारेनहाइट में जम जाता है? तो फारेनहाइट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जमता है, और फारेनहाइट क्या होता है, फारेनहाइट होता है 32 डिग्री फारेनहाइट, है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। 25, देखिएगा, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अपचयन, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 26, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन स्क्रीन पे हैं, फटाफट सॉल्व करवा रहा हूँ क्योंकि आगे मैथ भी करेंगे, इसलिए आपका वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए जल्दी हम सॉल्व कर रहे हैं। तो डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। फटाफट से आपको आंसर देना है अगले प्रश्न का, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक है? तो ऑक्सीजन क्या होता है, रक्त के साथ जो है हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाता है, सभी को पता है ना, रक्त के अंदर हमारा होता है हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन का संवहन करता है।
तो रक्त की बात करेंगे तो हम यहाँ पे लाल रक्त कणिकाओं की बात करेंगे, RBC, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा। 28, फटाफट से आंसर देना है। जब प्रकाश किसी किनारे या किसी दरार से गुजरती है तो डैश की वजह से वंकित हो जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड होगा, विवर्तन, ठीक है, विवर्तन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन बेयर्ड, जिसको J.L. बेयर्ड भी बोलते हैं, इन्होंने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। 30, लाल सड़ांध यानी कि रेड रॉट बीमारी निम्नलिखित में से किस पौधे को होती है? इसको एक और रोग बोलते हैं, लाल सड़न रोग, ठीक है। ल्यूशन पढ़ेंगे तो ल्यूशन में आपको लाल सड़न रोग मिलेगा, ये लिखा हुआ। तो ये कौन से उसमें होती है? तो ये होती है गन्ने में। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? तो रक्त संयोजी ऊतक है, हड्डियां तो आपस में वैसे भी जुड़ी होती हैं, संयोजी ऊतक है, स्नायु यानी कि अस्थि बंधानु दंतु, तो ये भी संयोजी ऊतक है, इसमें भी हड्डी का जिक्र हो रहा है, ठीक है। तो त्वचा जो है यह संयोजी ऊतक नहीं है, ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से सूक्ष्म जीवी पोलियो तथा चेचक जैसी गंभीर बीमारियों के कारण हैं? तो किसके कारण से होती है चिकन पोलियो और चेचक? तो ये होती है वायरस से, ऑप्शन फोर आपका करेक्ट आंसर होगा। 33, सामान्यतः उत्तल दर्पण का प्रयोग डैश में होता है, तो गाड़ी में आपको पता है साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का यूज़ होता है, पीछे के दृश्य को देखने के लिए, जो ड्राइवर के पास साइड में लगा होता है, ठीक है, तो पश्चदर्शी दर्पण के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। 34, आवृत्ति का SI मात्रक क्या है? तो क्या है जी आवृत्ति का SI मात्रक? तो ऑप्शन चार जिन्होंने चूज़ किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 35 है और भाग दो का लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक निष्क्रिय गैस है? तो निष्क्रिय गैस कौन सी है? ऑर्गन है, ऑप्शन फोर करेक्ट होगा, ठीक है। और सबसे अधिक वायुमंडल में पाई जाने वाली निष्क्रिय गैस भी ऑर्गन है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से आपके कंप्लीट होते हैं, भाग तीन करेंगे गणित, ठीक है। तो देखिए गणित के लिए आपको क्या करना है, पहले आपको वीडियो को पॉज कर लेना है, या फिर वीडियो चलते चलते अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि मैं तो थोड़ा स्लो कराऊंगा क्योंकि मुझे समझाना भी है ना, तो मुझसे पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और फिर मेरे साथ आंसर मैच कीजिए, आपका आंसर ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा, और आपने जो वे चूज़ किया है सॉल्व करने का और जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन, उसमें से जो बेटर वे आपको लगेगा आप उसको पिकअप कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन 36 जो है हमारा भाग तीन का, कि यदि 20% तथा 30% की दो क्रमिक छूट दी जाती है तो निवल छूट डैश होगी। तो निवल छूट बतानी है, तो देखिएगा, माना आपके पास कुल जो है 100% है, ठीक है, टोटल। अब इस 100 में पहले क्या क्या 20% की छूट दी, तो 100 में हम 20% घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 80 बचेगा, ठीक है। अब ये जो 80 है इसमें फिर 30% की और छूट दी, तो 80 का 30% कितना होता है? 80 का 30% होता है 24, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से 24 घटाऊं तो यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे बचेगा 56, ठीक है। तो पूछा है फाइनली कितनी छूट दी गई, तो देखिए हमने कितना रखा था 100, अब फाइनली जाके कितना हो गया 56, तो छूट कितनी दी गई, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 44 है, तो 44 जो है वो छूट दी गई, ऑप्शन सेकेंड जो है आपका करेक्ट होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 37, 30 रुपये प्रति किलोग्राम की चीनी को 45 रुपये प्रति किलोग्राम की चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे इस मिश्रण को 42 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर 20% का लाभ हो? तो ये जो है आपका मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मिक्सचर एलिगेशन का थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वो भी देख लेंगे, तो देखिएगा कैसे होते हैं मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन, 30 रुपये है और यहाँ पर है 45 रुपये, और बीच में हम क्या रखते हैं जो बिल्कुल कॉमन है दोनों में, वो बीच में रखेंगे। बट यहाँ पे बोल रहा है 42 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है, बट यहाँ पर 30 और 45 है, इसमें तो कोई लाभ नहीं हो रहा है ना। तो ये जो 20% का लाभ हो रहा है इसको हटा के हम इसकी एक्चुअल जो वैल्यू होगी वो हम बीच में रखेंगे, ठीक है, यानी कि हमको 100% की वैल्यू रखनी है। तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं 42 वाले को, कि 42 गुणा 100, अगर हम इसको 120 से भाग देंगे क्योंकि लाभ हो रहा है, तो हमारी जो है एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी बिल्कुल 100% की, जो कि इसके बीच में रखने लायक होगी, क्योंकि हम 42 को डायरेक्ट नहीं रख सकते
क्योंकि यहाँ पे रखा है 42 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने से उसको 20% का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो ये बाद का केस हो गया, तो इसके साथ हम इसको अटैच नहीं करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो यहाँ पर देखिएगा, 0 से 0 कट गई, ठीक है। 6 × 12 6 × 7 = 42, 2 से करूँगा 2 × 5 = 10, तो 5 × 7 कितना हो गया, 35 हो गया। 35 आपका यहाँ पे बीच में आएगा, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू। इतना सा आपको डाउट क्लियर हो गया। तो देखिएगा, इसमें से आपका ये माइनस होगा और इसमें से आपका ये माइनस होगा। यहाँ पे माइनस का साइन नहीं आएगा, भले ही यहाँ पे आपका साइन छोटा ही क्यों ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे आएगा 5। रेशो निकाल लीजिए, 5 × 5 और 5 × 10, तो 2:1 जो है आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए है। उम्मीद है आप सभी ने सही आंसर दिया होगा। 38 क्वेश्चन है, 11 संख्याओं की औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या दोगुनी हो जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा। तो उम्मीद करूँगा अगर आप इस सॉल्यूशन को देख रहे हैं तो पहले आपने खुद से ट्राई किया होगा सॉल्व करने का, ठीक है, नहीं तो आप अभी ट्राई कर रहे होंगे तो कर लीजिएगा। अगर आपको समय चाहिए तो वीडियो को पॉज करना, क्योंकि मैं सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूँ। तो देखिएगा, 11 संख्याओं का औसत कितना है, 7 है। तो अगर मैं 11 को 7 से गुणा कर दूं, तो टोटल संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 77 हो जाएंगी, ठीक है। उसने बोला है प्रत्येक संख्या को दो गुणा कर देने पर, तो जो हमारी 77 है, प्रत्येक संख्या हमारी कितनी है, अब 77 है ना, इनका टोटल 77 है। अगर हम प्रत्येक संख्या दो गुणी करेंगे तो जो 77 टोटल आया है ये भी दो गुणा हो जाएगा। तो 77 का दो गुणा कितना होता है, 154 होता है, ठीक है। इसको दो गुणा करने पर 154 बन गया। उसने बोला है तो नया औसत क्या होगा, तो नया औसत यहाँ से आपको निकालना है। संख्याएं कितनी हैं आपके पास, 11 हैं, तो 154 का आपको 11 से भाग कर देना है। तो यहाँ से भाग करेंगे, 11 × 11 = 44, 14 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि है ऑप्शन डी में, राइट। 39, एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, यदि उस वस्तु को 7% कम दाम पर खरीदता तथा 90 रुपये कम पर बेचता तो उसे 50% का लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य का मान कितना है। तो पहली बात आपको पता होना चाहिए, जो क्रय मूल्य होता है वो अपने आप में 100% होता है, क्योंकि अगर हम किसी वस्तु को बेचेंगे तभी हमको हानि या लाभ होगा, अगर हम बेचेंगे नहीं तो हानि लाभ होगा नहीं, यानी कि वो 100% ही रहेगा, है ना। तो देखिएगा इसको हम कैसे करेंगे सोल्व, कि माना आपके पास किसी वस्तु का मूल्य है 100 रुपये, और पहली लाइन देखिएगा उसको 120% लाभ पर बेच रहा है, तो उसको कितने की बेचेगा, वो 120 की बेचेगा, इतनी चीज़ क्लियर है। सेकंड लाइन बोल रहा है यदि वह उसको 60% कम दाम पर ख़रीदता, तो पहले उसने 100 की खरीदी है, अगर 60% कम पर ख़रीदता तो वो उसको 40 रुपये में ख़रीदता। तो बोल रहा है उसको 90 रुपये का कम पर बेचता तो 50% का लाभ होता। तो देखिए 50% का लाभ हो रहा है तो 40 का 50% कितना होता है, 20 होता है। तो इसमें अगर मैं 20 जोड़ूंगा तो यानी कि उसको वो 60 रुपये में बेच रहा है, ठीक है, 50% के लाभ पर 60 में बेच रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है दोनों में, 60 का डिफरेंस है, और यहाँ पर रुपीज़ में डिफरेंस कितने का है आपके सामने, 90 रुपये का डिफरेंस है, ठीक है। तो 0 से आपकी 0 कैंसिल हो गई, यानी कि 3 × 6 और 3 × 3 = 9, 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। आपको बोला है 100% की वैल्यू, तो निकालते हैं 100% की वैल्यू, 3/2 हो गया, और गुणा हम क्या करेंगे, 100 करेंगे, क्योंकि हमको 100% की वैल्यू चाहिए। तो 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 से आ गया यहाँ पे आपका 50, और 50 × 3 कितने होते हैं, 150 होते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो आपका करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 40, फटाफट से पढ़िए, फटाफट से सॉल्व कीजिए, कि अमित अपनी आय का 20% स्कूल को दान दे देता है तथा शेष का 20% अपने बैंक में जमा कर देता है, यदि उसके पास अब 12,800 रुपये बचे तो अमित की आय कितनी है। आय पूछा है यानी कि 100%, माना मैंने अमित की आय कितनी है, 100 है, ठीक है। 20% उसने 100 में से स्कूल को दान दे दिया, तो कितना बचा यहाँ पे, 80 बच गया, ठीक है, तथा शेष का 20% अपने बैंक में जमा कर देता है। तो शेष आपके पास कितना बचा है, 80 बचा है, 80 का 20% कितना होता है भाई, 16 होता है, तो 16 उसने बैंक में जमा कर दिया, तो कितना बचा उसके पास, अब उसके पास बचा 10 में से 6 गए 4, 7 में से यहाँ पे बच गया आपके उसके पास 64, ठीक है।
तो अब उसके पास 64 बचे, ठीक है। यहाँ पे 64 है और यहाँ पे आपको कितना दे रखा है प्रश्न में, 12,800। आपको बोला है अमित की आय निकालने को, यानी कि 100 की वैल्यू, तो कैंसिल करेंगे। 8 × 8 कितना होता है, 64 होता है। 8 × 1 = 8, 8 × 6 = 48, यहाँ पे 0 0 आ गई, ठीक है। और यहाँ पे कैंसिल करेंगे, 8 × 2 = 16, यानी कि 200। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 200 आ गई, ठीक है, समझ आ रहा है। 100% की निकालनी है तो 200 को आपको क्या करना है, सीधा 100 से गुणा कर देना है। आंसर क्या होगा आपका, 20,000। 41, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिएगा, वर्ग के पहले आपको वर्ग का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, जो कि होता है ए स्क्वेयर, ठीक है। ए हमारी क्या है, भुजा है। माना मैंने वर्ग की भुजा है 10। अब इस पर आपत्ति मत करना कि आपने 10 क्यों माना, आप कुछ भी मान लेना, 10, 50, 20, 10, 2, 3, जो मर्जी, आपके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 10 इसलिए माना है ताकि आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। माना वर्ग की प्रत्येक भुजा है 10, ठीक है। तो अब इसका क्षेत्रफल कितना हुआ, 100, है ना। 10 का स्क्वेयर कितना होगा, 100 होगा, क्लियर है। बोल रहा है उसमें 10% बढ़ा दिया जाए, तो 10 का 10% कितना होता है, 1 होता है। अगर 10 में हम 10% बढ़ा देंगे तो वो 11 हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 121 होगा ए स्क्वेयर, ठीक है। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, पहले 100 था, अब 121 हो गया, तो 21% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 42, 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम ने औसत 23 रन बनाए। यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए हों तो अन्य खिलाड़ियों के औसत रन ज्ञात करो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 11 सदस्यों के औसत रन कितने हैं, 23 हैं। अगर मैं 11 को 23 से गुणा कर दूं तो 11 सदस्यों के कुल रन आ जाएंगे। तो 23 से गुणा करने पर यहाँ पे आपके सामने कितना बनेगा, इसको देख लेते हैं, 6,5,256, ठीक है। तो 23 से गुणा करने के बाद ये आपका बनेगा 256। अब नेक्स्ट लाइन बोल रहा है कि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए, अगर मैं इसमें से 113 माइनस कर दूं पहले खिलाड़ी के, जो कि कितने हो गए, 143, ठीक है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है क्या, एक मिनट वेट कीजिए, शायद मल्टीप्लाई में कुछ गड़बड़ हुई है ना, 253 होगा, ठीक है, माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में मिस्टेक हो गई, 253, ठीक है, हो जाती है मिस्टेक कभी कभी। तो अगर मैं इसमें से पहले खिलाड़ी के माइनस कर दूँ 113, तो यहाँ पे कितना होगा आपके सामने, 140 बचेगा, ठीक है। अब ये 140 कितने हैं, एक के तो हमने माइनस कर दिए, तो अब ये 10 सदस्यों के कुल रन हैं। आपको बोला है अन्य खिलाड़ियों के औसत रन ज्ञात करो, तो ये कुल रन कितने हैं, 140 हैं। अगर मैं इसको 10 से भाग कर दूं तो सबके औसत रन आ जाएंगे, जो कि कितने होंगे, 14 होंगे। तो ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट होगा। 43, किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और उसकी त्रिज्या में क्या अनुपात होगा। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो देखिए, त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की बात करेंगे तो परिवृत्त का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a/√3, ये है परिवृत्त का फॉर्मूला, ओके। अब यहाँ से अगर मैं आपको बोलूँ उसकी त्रिज्या, उसकी त्रिज्या यानी कि उसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या की यहाँ पे बात कर रहा है, ओके, उसका फॉर्मूला होता है a/√3। उम्मीद करूंगा आपने फॉर्मूले ज़रूर रटे होंगे एडवांस मैथ के, ठीक है। और ये बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला है कि कोई समबाहु त्रिभुज है, अगर उसके अंदर कोई वृत्त बना है और उसकी आपको त्रिज्या निकालनी है तो आपका फॉर्मूला ये होगा। अगर किसी वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला ये होता है, ये आपको पता होना चाहिए, इसको हम परिवृत्त बोलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने बेसिक भी यहाँ पर क्लियर किया है। अच्छा, आप देखिएगा, अब इसको आपको सॉल्व करना है और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये √3 से आपका ये √3 कैंसिल हो गया, ओके। तो 2 इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो ये हो गया 2a = a, तो ये भी a से आपका a कैंसिल हो गया, तो 2:1 आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। कहाँ है, ऑप्शन 3 में है। नेक्स्ट देखिएगा 44,
रुपये 3,000 की राशि पर 12% वार्षिक ब्याज पर 1,080 का ब्याज कितने सालों में मिलेगा। तो देखिएगा, आपसे बोला है समय निकालने को, तो यहाँ पे हम समय का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, ठीक है, मूलधन इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका, 1,080 है, पुट कर दीजिए 1,080 गुणा 100 है तो मैं 20 और लगा देता हूँ, ठीक है। मूलधन कितना है आपका, 3,000 है, और दर है आपकी 12%, बस 30 से 30 कैंसिल, 12 नीम में कितना होता है 108, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 तिया कितने होते हैं 9 होते हैं, तो यहाँ पे आपका 3 साल जो है वो सही आंसर होगा, ऑप्शन सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 45 है और आपका गणित का लास्ट प्रश्न है भाग 3 का, इसके बाद हम भाग 4 करेंगे रीजनिंग, ठीक है, पूरा कंप्लीट देखना है और आपको फिर स्कोर कमेंट करना है। यदि ए बी के 20% के बराबर है और सी बी सी के 25% के बराबर है, तो सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा। फटाफट सॉल्व कीजिएगा इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को आप देखिए किस तरीके से करेंगे और मैं किस तरीके से करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए बी और सी, मैंने माना सी 100, पीछे से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें पीछे से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जो है बी सी का 25% है, अगर सी 100 है तो 100 का 25% कितना होता है, 25 होता है, तो यानी कि बी आपका 25 है। पहली लाइन में क्या बोल रहा है कि ए बी का 20% के बराबर है, अब 25 का 20% आपको निकालना है, तो देखिएगा यहाँ पे मैं कर देता हूँ 25 का 20%, 20 × 100 × 25, तो यहाँ पे 25 का 20% निकाला मैंने, जो कि कितना आया है, 5 आया है, करेक्ट है बात इतनी, तो ये इनकी रेशो आ गई। क्या पूछा है आपसे, तो सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा, तो देखिए यानी कि 100 का कितना प्रतिशत 5 है, अरे भाई 100 का 5% ही 5 होगा, तो ऑप्शन थर्ड जो है वो आपका सही आंसर है, राइट। तो यहाँ पे आपके गणित भाग 3 भी कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे हम भाग 4, जिसके 5 प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, यहाँ पर भी 5 क्वेश्चन ऐड किए हैं और अच्छे लेवल के ऐड किए हैं, थोड़ा आपका दिमाग चलेगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ और देखिएगा, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए पूरे 50 प्रश्नों का, तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ जाके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो 46 है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए, मंदिर, प्रार्थना, मस्जिद, गिरजाघर। तो यहाँ पे आपका क्या लॉजिक फॉलो होता है कि जो है मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर, ये तीनों ऐसी जगह है जहाँ पर प्रेयर की जाती है, ठीक है, और यहाँ पे प्रेयर जो है वो अलग है क्योंकि ये प्रेयर की जाती है इन तीनों जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको किसी मंदिर, मस्जिद, संस्थान का नाम होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे प्रार्थना है, क्योंकि प्रार्थना ही सब में की जाती है, तो ये प्रार्थना ही तीनों से सबसे अलग होगा, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। 47, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द आपको चुनना है, तो देखिए सीरीज क्या बन रही है, आप लास्ट अक्षर को भूल जाइए, ठीक है, लास्ट अक्षर आपको कन्फ्यूज करने के लिए दिया है, आप सीरीज़ जो है वो पहले 3 अक्षर से ही पकड़ सकते हैं, क्योंकि लास्ट अक्षर को भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप लॉजिक लगाएंगे सही, बट पहले 3 अक्षर से ही आपकी सीरीज फॉलो हो जाती है, जैसे पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है, क्यू के बाद आर, ये सीरीज चल रही है, एक्स के बाद आता है वाई, वाई के बाद आता है जेड, बी के बाद सी, सी के बाद डी, ऐसे ही एम के बाद यहाँ पे एन आना चाहिए था और यहाँ पे ओ आना चाहिए था, तो कौन सा आपका गलत हो गया, ऑप्शन पहला आपका गलत है, ठीक है। 48, इसमें भी आपको बताना है विषम शब्द, तो इसमें आपको टाइम लग सकता है, इसका लेवल थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन ऐसा होता है कि पहली बार में दिमाग में आ गया तो आ गया, नहीं तो आप सारा दिन लगा रहेंगे तो भी दिमाग में नहीं आता है, ठीक है। तो देखिएगा 70 और 80, इसको मैं 0 से 0 कैंसिल कर दूँ तो ये बन रहा है हमारा 7:8, ठीक है, इसको भी कैंसिल करूँगा अगर मैं, ठीक है, 4 × 7 = 28 और 4 × 8 = 32, तो ये भी 7:8 का रेशो बन रहा है, इसको कैंसिल करेंगे 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24, तो ये भी 7:8 का रेशो है, ठीक है, बट 54 और 62 को किसी से भी कैंसिल करेंगे तो 7 और 8 का रेशो नहीं बनेगा, तो ये आपका राइट आंसर होगा, ओके। नेक्स्ट है 49, 3, 16, 18, 72, नेक्स्ट आपको बताना है क्या होगा, तो देखिएगा 3 यहाँ पे क्या सीरीज है, 3 × 6 × 2, 6 × 18 × 3, 18 × 72 × 4 और 72 × यहाँ पे क्या होगा, 5 होगा, तो
तो 72 पंजे कितना होता है, 360 होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 और आज का लास्ट प्रश्न। ओके, फटाफट से आपको आंसर देना है और आपको बताना है कि आज का हमारा ये प्रयास कैसा लगा, आपको यह वीडियो कैसा लगा, ठीक है, आपका स्कोर कितना है, आपकी कितनी हेल्प हुई हमारी वीडियो से। और भी वीडियोज़ जाके देख सकते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर ये 9 था, इससे पहले 8 अपलोड हो चुके हैं, उनको जाकर ज़रूर देखिएगा। कि आपके सामने ये सीरीज़ दे रखी है, आपको बताना है 7 स्टार 7 यहाँ पे क्या होगा। तो उम्मीद करूँगा आपने सब ने ट्राई किया होगा, ठीक है। तो देखिएगा, अगर मैं पहले का डबल कर दूँ, 3 दूनी कितना होता है 6, और ये फिर मैं इसमें 4 जोड़ दूँ तो कितना होगा हमारा, 10 होगा। ऐसे ही मैं पहले में यहाँ पे 5 है, 5 का डबल करूँगा कितना होगा 10, और 10 में मैं ये 8 जोड़ूंगा तो कितना होगा 18 होगा। ऐसे ही मैं 7 में डबल करूँगा 14, 14 में मैं 7 जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे 21 हो जाएंगे, है ना। तो ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा। तो गाइज़ ये था आपका सेशन, उम्मीद करूँगा पसंद आया होगा सब कुछ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।